मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोगों को कक्षा 11th के लेसन नंबर 1 जीवन की इकाई कोशिका में हम कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक माइटोकांड्रिया के बारे में जो है कि आप लोगों को हम आज बताने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग गौर से इसे देखिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है माइटोकांड्रिया। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। माइटोकांड्रिया यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कोशिका का। इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकांड्रिया कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती है उसको ये ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब संरचना में देखते हैं। तो संरचना में देखेंगे तो यह गोलाकार अंडाकार तस्तरी नुमा होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? गोलाकार होता है, अंडाकार होता है और तस्तरी नुमा होती है। सक्रिय कोशिकाओं में इसकी संख्या अधिक होती है। जो कोशिकाएं बहुत एक्टिव होती हैं, ठीक है ना, ज़्यादा फंक्शन होता है उसका, उसमें इसकी संख्या अधिक होती है। ठीक, माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है ना, इसके बाहर दोहरी झिल्ली होती है। गौर कीजिएगा, ये माइटोकांड्रिया एक ये बाहर वाली और ये भीतर वाली, तो ये दोहरी झिल्ली से ये क्या होती है, ये घिरी रहती है। माइटोकांड्रिया क्या होती है भाई, यह दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। बाहरी झिल्ली चिकनी और सपाट होती है। गौर कीजिएगा, देखिए बाहर की जो झिल्ली है ना, ये एकदम चिकना और सपाट होता है। बाहरी झिल्ली क्या होती है, चिकनी और सपाट होती है। क्लियर, माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। बाहरी झिल्ली चिकनी और सपाट होती है तथा इसमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे इसमें छिद्र होता है। भीतरी झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर अंगुली जैसी संरचना का निर्माण करती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। आइए देखते हैं हम ध्यान से, जो भीतर की झिल्ली है ये अंदर वाली, ये मुड़ मुड़ करके अंगुली जैसा संरचना बनाती है। देखिए मुड़ मुड़ करके, ये भीतरी झिल्ली है, ये मुड़ मुड़ करके, इसको क्या कहते हैं हम, क्रिस्टी कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। किसको, जो भीतरी झिल्ली मुड़ मुड़ करके बनाई है ना अंगुली जैसा, ठीक है, ये दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो भीतरी झिल्ली अंदर की ओर मुड़ करके अंगुली जैसी संरचना का निर्माण करती है, इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसकी भीतरी गुहा में मैट्रिक्स भरा होता है, इसमें डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग, ये भीतर की गुहा, इसमें देख रहे हैं ना, ये सब डॉट 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 जो देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, मैट्रिक्स, भीतर गुहा में ये मैट्रिक्स भरा होता है। ये ठीक, मैट्रिक्स भरा होता है जिसमें डीएनए होता है, ठीक ना, और राइबोसोम भी इसमें होता है। ये डॉटर डॉटर से हैं राइबोसोम में, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। इसकी भीतरी गुहा में मैट्रिक्स भरा होता है, इसमें डीएनए तथा राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। ठीक ना, आगे देखते हैं इसी ऑर्डर में। माइटोकांड्रिया की आंतरिक सतह पर टेनिस के रैकेट के आकार के कण पाए जाते हैं जो ऑक्सीसोम कहलाते हैं। इसमें एटीपी का संश्लेषण होता है। क्या क्या कर रहा है, माइटोकांड्रिया के आंतरिक सतह पर, ये जो भीतर वाला सतह है इसी पर देख रहे हैं, ये टेनिस के रैकेट के आकार का पार्टिकल पाया जाता है। इसको हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ये जो कि रैकेट के टेनिस के कार्य करते हैं। डॉट डॉट नहीं दिख रहे हैं, ये F1 पार्टिकल या मैट्रिक्स कहते हैं। कह रहा है कि माइटोकांड्रिया के आंतरिक सतह पर टेनिस के रैकेट की आकृति के कण पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीसोम कहलाते हैं। ठीक है ना, इसमें ATP का क्या होता है, संश्लेषण होता है। इसमें ये जो F1 पार्टिकल है, ठीक है ना, कौन सा,
ये F1 जो पार्टिकल दिख रहा है ना, ये इसी में F1 पार्टिकल, इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। और इसी में जो है कि क्या होता है, ATP का संश्लेषण होता है। क्रियाशील चक्र के लिए एंजाइम मैट्रिक्स में ही पाया जाता है। इस जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, इसी में क्रियाशील चक्र के लिए एंजाइम प्रेजेंट रहता है। इसी पार्ट में क्रियाशील चक्र के लिए एंजाइम प्रेजेंट रहता है। माइटोकांड्रिया ऑक्सी श्वसन का स्थल है, और ऑक्सी श्वसन जो होता है माइटोकांड्रिया के ही अंदर होता है। यह स्वयं कुछ प्रोटीन बना लेती है। माइटोकांड्रिया में कुछ स्वयं प्रोटीन का निर्माण करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे कोशिका के अंदर कोशिका भी कहते हैं। और इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वयं ही कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसका देखते हैं स्ट्रक्चर को ध्यान से, देखिए ये माइटोकांड्रिया है, ठीक है ना। क्या ये माइटोकांड्रिया है, इसमें गौर कीजिए। DNA स्पेस, ये खाली गैप, आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये इनर मेम्ब्रेन भीतर वाली झिल्ली होती है। ये मैट्रिक्स जो इसमें भरा हुआ पदार्थ है, जैसे पहले ही बताए हैं, और ये भीतर की सतह जो है कि मुड़ मुड़ करके अंगुलियों की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, किस्टी बोलते हैं। और इसके अंदर ये मैट्रिक्स भरा है, इसी पर जो है कि ये रैकेट के टेनिस कार की स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स, ठीक है ना। और इसी में जो है कि आपका क्या होता है भाई, तो ATP का संश्लेषण होता है। ओके, तो ये हो गया आपका माइटोकांड्रिया। अब इसी क्रम में हम लोग आगे, अब नेक्स्ट अगला जो है कि देखेंगे कोशिकांग, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको स्टडी कीजिए, और अपने मित्रों को भी फायदा हो इसके लिए इसको शेयर कर दीजिए, और नया चीज़ आपको मिले इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो ही नया चीज़ डाले आपको जो है कि पहुँच जाए। तब तक के लिए थैंक्स।